आप लोगों को तो पता ही है कि एक्सीडेंट की वजह से मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाती, चल नहीं पाती, मॉर्निंग वॉक नहीं जाती और किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करती, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है और अब मैं अपना वेट बिल्कुल नेचुरल तरीके से कम कर रही हूँ। मैं पिछले 1 महीने से इस फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल इस तरीके से कर रही हूँ और मेरा 1 महीने में 2 किलो वेट कम हो गया है एकदम नेचुरल तरीके से। जो जब नेचुरल तरीके से आप वेट लॉस करते हैं तो आपका वेट फिर दोबारा नहीं बढ़ता है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, परेशान हैं अपने बढ़े हुए वेट को लेकर के, तो इस तरीके से आप भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैंने पपीता लिया है, आप कोई सा भी अपने मनपसंद फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन उस फ्रूट में आपके पपीता ज़रूर होना चाहिए। और जब आप सुबह इसे 8 से 9, 8-9 बजे जब भी आप नाश्ता करते हैं ना, तो ये फ्रूट इतना मतलब भर पेट खाइए कि आपके लंच टाइम तक आपको भूख नहीं लगे। मतलब थोड़ा नहीं खाना है, भर पेट आपको खाना है। तो 4 से 5 तरह के, आप जितने ज़्यादा तरह के फ्रूट लिए रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स जाएगा, जो कि आपके शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करेगा और वेट भी आपका आसानी से लॉस हो जाएगा। तो आपके फ्रूट में पपाया ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आप 4-5 तरह के फ्रूट सैलेड बना सकते हैं। आप इसमें खीरा, चुकंदर और अमरूद, अनानास, जो भी आपको फ्रूट पसंद हो वो फ्रूट आप ले लीजिएगा। कम से कम 5 तरह के फ्रूट होने ही चाहिए और खूब भर पेट खा लीजिएगा। और भर पेट खाने के बाद आपको 1 गिलास आपको छाछ पीना है। और जब फ्रूट सैलेड में आप चाट मसाला और नमक को अवॉइड करिएगा, अगर खा सकते हैं इसके बिना तो इसके बिना नमक के ही खाइएगा। और छाछ 1 गिलास ले लीजिएगा, इसमें काला नमक बहुत थोड़ा सा हल्का सा डालिएगा कि बस थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो हमारा जो है कि ये वेट लॉस फ्रूट सैलेड रेडी है। ये दोनों आप 1 महीने खा करके बताइएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सुबह के टाइम में किसी भी अन्न का प्रयोग नहीं करना है, जैसे अनाज से बनी हुई कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है, सिर्फ आपको फ्रूट और 1 गिलास छाछ ही लेना है। फिर आप देखिएगा आपका वेट बहुत तेज़ी से लॉस हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।